GPH रिव्यूज को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो गाइस, आप लोग देख रहे हैं एप्पल टॉक्स का फ्रेश एपिसोड, जहां पे हम लोग बात करते हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स के बारे में, आईपैड्स के बारे में और लीक्स और र्यूमर्स के बारे में। तो आज के एपिसोड में कुछ इंटरेस्टिंग लीक्स, कुछ इंटरेस्टिंग र्यूमर्स हमारे पास है जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप एक 8th जनरेशन आईपैड परचेस करना का चाहते थे तो भाई थोड़ा रुक जाओ, इस वीडियो को बिल्कुल से कंप्लीट वॉच कीजिए, काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। हे गाइस, मेरा नाम है जिंक, क्योंकि आप देख रहे हैं जीपीएच रिव्यूज, एंजॉय द इंट्रो। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप लोगों को ऐप स्टोर के ऊपर दिक्कत आती है पेमेंट करने में और फिर भी आप लोग ऐप को परचेस करने में इंटरेस्टेड हो, तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, tryreviews.com। यहाँ पे आप लोग वेबसाइट देख सकते हो, जहाँ से आप लोग गुड नोट्स, नोटेबिलिटी जैसे ऐप को परचेस कर सकते हो और वो आपको काफी जल्दी गिफ्ट करे जाएंगे। तो आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, साइट 100% सेफ और सिक्योर है, क्योंकि वो हमारी ही साइट है, तो आप लोग उसे चेकआउट कर सकते हो। सो भाई, हर साल हम लोगों को न्यूज और र्यूमर्स तो देखने को मिलते हैं, लीक्स देखने को मिलते हैं नए आईपैड्स के, लेकिन भाई अभी 2020 में आईपैड 8 जनरेशन लॉन्च हुआ था और यहाँ पे लीक्स निकल के आ रहे हैं आईपैड 9 जनरेशन के, जहाँ पे लोगों ने अभी तक आईपैड 8 जनरेशन को अच्छे से खरीदा नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को 9th जनरेशन के लीक्स देखने को मिल रहा है और ये कहानी शुरू होती है भाई एक ट्वीट की वजह से, जहाँ पे ट्रॉन नाम का एक अकाउंट है ट्विटर पे, जिन्होंने ट्वीट किया है आईपैड के र्यूमर्स के बारे में, नए वाले आईपैड के बारे में, जहाँ पे 9th जनरेशन कहीं पे भी मेंशन्ड नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई ये 8th जनरेशन से सस्ता रहेगा, मतलब $300 का रहेगा, $299 का रहेगा। और इंडिया में इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो भाई 8th जनरेशन को अगर आप लोग स्टूडेंट ऑफर में कन्वर्ट करते हो तो वहाँ पे 27,000 के आसपास कुछ आपको प्राइसिंग गिरती है, तो लगभग से ये भी आप लोगों को 27,000 के आसपास मिल सकता है अगर भाई इनका दावा है वो सच हो गया तो। यहाँ पे इन लोगों ने कहा है कि ये नया वाला आईपैड जिसे हम लोग 9th जनरेशन कंसिडर करते हैं, क्योंकि भाई 8th जनरेशन से सस्ता 9th जनरेशन ही रहेगा, क्योंकि ये सबसे स्टार्टर वाली सीरीज है आईपैड्स की, तो इससे पहले तो भाई कोई भी आईपैड नहीं आती है, तो यही है, तो इसे कंसीडर करते हैं 9th जनरेशन आईपैड 9th जनरेशन। और 9th जनरेशन में भाई हम लोगों को क्या चीजें देखने को मिलती है, तो सबसे पहले इन लोगों ने कहा है भाई कि ये लाइट वेट और ज्यादा थीन देखने को मिलेगा, मतलब भाई पहले से ही आईपैड 8th जनरेशन काफी लाइट वेट और काफी थीन हम लोगों को देखने को मिलता है, 450 के आसपास वेट देखने को मिलता है आईपैड 8th जनरेशन का। और यहाँ पे उन लोगों ने कहा है कि इससे भी थीन और इससे भी लाइट वेट रहेगा, तो आप लोग यहाँ पे अभी सोच सकते हो थोड़ा बहुत, और अगर आपने 8th जनरेशन परचेस भी कर लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ये सिर्फ र्यूमर्स और लीक्स हैं, अभी तक कोई भी डिवाइस रिलीज नहीं हुआ है, तो आप लोग भाई आराम से अपने आईपैड 8th जनरेशन को यूज़ करो, क्योंकि वो भी काफ़ी पावरफुल चीज़ है, उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये बात करते हैं अभी स्पेशल र्यूमर्स के बारे में, भाई इन लोगों ने क्या लीक्स प्रोवाइड करे हैं। तो भाई इन लोगों ने कहा है कि नया वाला आईपैड 9th जनरेशन आएगा 10.5 इंचेस की स्क्रीन साइज के साथ। भाई 10.5 इंचेस की स्क्रीन साइज मतलब आईपैड एयर 3, और यहाँ पे इतनी जल्दी ये आईपैड नहीं आएगा मेरे हिसाब से, लेकिन भाई 10.5 इंचेस की स्क्रीन के साथ अगर 9th जनरेशन आता है तो भाई मतलब तबाही सी हो जाएगी, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट एप्पल के प्रोडक्ट्स पे ऐसे पड़ेगा कि भाई 8th जनरेशन का सेल बिल्कुल से डाउन हो जाएगा, उसके बाद एयर 3 भी कोई नहीं परचेस करेगा, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। इन लोगों ने कहा है A13 बायोनिक चिप देखने को मिलेगी, जो कि अभी हम लोगों को आईफोन 11 के अंदर देखने को मिलती है, जो कि 8th जनरेशन और एयर 3 या मिनी 5 इनसे काफ़ी बेटर चिप है A13। तो आप लोग सोच सकते हो भाई कि ये लीक्स इतने ज़्यादा मुझे रिलायबल नहीं लग रहे हैं, लेकिन भाई आगे देखते हैं क्या चीज़ें होती है, और आएगा भी तो भाई थोड़ा सा अपग्रेड तो होना ही चाहिए, A12 के बाद तो A13 ही आएगा, तो ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे पिछली बार वाली लीक में हमारा A13 हम लोगों ने एयर 4 में कंसिडर करा था, लेकिन A14 आ गया था, तो थोड़े बहुत यहाँ पे ये लीक्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो A13 हम लोगों को देखने को मिलेगा आईपैड 9th जनरेशन के अंदर, साथ ही साथ यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई इसके अंदर टच आईडी हम लोगों को देखने को मिलेगी, मतलब डिज़ाइन यहाँ पे कुछ हद तक चेंज नहीं होगी, यही डिज़ाइन हम लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोग कंसीडर कर सकते हो भाई आईपैड एयर 3 आप लोगों को मिल जाएगा सस्ती कीमत में, मतलब 27,000 के आसपास, और एयर 3 आप लोगों को उसके अंदर भी बेटर परफॉर्मेंस, बेटर चिप देखने को मिलेगी जो कि A13 रहेगी, और भाई क्या आपको और क्या चाहिए इसके अंदर।
तो ये कुछ है भाई आईपैड 9th जनरेशन की रूमर्स। इसके अंदर ज़्यादा कुछ चीज़ें उन लोगों ने मेंशन नहीं करी है, और यहाँ पे 4GB रैम के बारे में बात करी गई है, लेकिन अभी तक जो भी डिवाइसेस थे 3GB रैम के ऊपर आते थे। 8th जनरेशन भी 3GB के साथ है, एयर 3 भी 3GB के साथ है, मिनी 5 भी 3GB के साथ है। तो अगर 4GB के साथ A13 आ जाता है तो भाई मतलब परफॉर्मेंस में काफ़ी हद तक बूस्टअप हो जाएगा, काफ़ी इंप्रूव्ड हम लोगों को परफॉर्मेंस मिल जाएंगी। कैमरा के बारे में कोई भी मेंशन नहीं है, और डिज़ाइन के बारे में भी अभी तक कोई लीक्स नहीं है। ये एक रॉ लीक्स है जिसके ऊपर हम लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे आप लोग एक आइडिया ले सकते हो भाई कि क्या चीज़ आ सकती है 2021 के अंदर। और इन लोगों ने कहा है कि भाई फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में हम लोग को देखने को मिल जाएगा, मतलब मार्च के आसपास हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से भाई अभी iPad 8 जनरेशन रिलीज़ करा गया है एप्पल की तरफ से, तो इतनी जल्दी तो हम लोगों को शायद ही देखने को मिले। अगर यहाँ पे iPad की काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रही है तो भी भाई 8 जनरेशन और एयर 4 हम लोगों को अभी मिला है, उसके बाद 9 जनरेशन की अभी तो ज़रूरत है नहीं। लेकिन देखते हैं भाई कि क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। ये एप्पल है भाई, यहाँ पे कोई भी चीज़ पे हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज़ है भाई, आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हो, लेकिन क्या आपको रुकना चाहिए 9th जनरेशन के लिए क्योंकि लीक्स आ रहे हैं इसी वजह से? तो मैं यही रिकमेंड करूँगा भाई, आप लोगों को रुकना तो नहीं चाहिए यार। अगर आपको 8th जनरेशन परचेस कर लेना है तो बिल्कुल से परचेस करो यार, क्योंकि 8th जनरेशन के बाद 9th जनरेशन कब आएगा, क्योंकि 8th जनरेशन भी काफ़ी लेटेस्ट है और इसके अंदर कुछ भी आप लोगों को मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। क्या कम चीज़ें आप लोगों को मिली है? कुछ भी नहीं, काफ़ी अपग्रेडेड चीज़ें हैं, तो वो आप लोगों को एक फैक्टर कंसिडर कर लेना चाहिए। और 9th जनरेशन की भाई लीक्स अभी एक ही आई है, एक ही ट्वीट हुआ है, एक ही वजह से पूरे YouTube पे हंगामा मच गया है कि भाई 9th जनरेशन आ रहा है, 9th जनरेशन आ रहा है। तो आप लोगों को इसके ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से। अभी भाई काफ़ी सारे जो हमारे एडवांस लीकर है, जो कि भाई जॉन पोजर भाईनर साहब ने अभी तक कुछ भी अपग्रेड नहीं करा है, अपडेट नहीं करा है, तो वो आप ध्यान में रख सकते हो। बिल्कुल आप लोग 8th जनरेशन अभी परचेस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोगों को परचेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है भाई, जहाँ से आप लोग बिल्कुल से परचेस कर सकते हो, आपको काफ़ी अच्छी डील भी मिलेगी और हम लोगों को थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हो जाएगा। तो भाई यही थे कुछ लीक्स iPad 8th जनरेशन के ऊपर, iPad 9th जनरेशन के बारे में। iPad 8th जनरेशन आप लोग बिल्कुल से परचेस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। 9th जनरेशन जो जब आएगा उसके बारे में उसके बाद बात करेंगे भाई। तो अभी के लिए भाई ये जो लीक्स है ये इतने ज़्यादा मतलब ट्रस्टेबल नहीं है मेरे हिसाब से। आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो, ट्रॉन भी काफ़ी अच्छा एक लीकर है, काफ़ी अच्छे इसके लीक्स रहे हैं, इन्होंने जो भी बताया है वो लगभग से सही से आता है। लेकिन भाई ये कुछ काफ़ी जल्दी हो गया है मेरे हिसाब से, अभी से लीक आनी शुरू नहीं होनी चाहिए थी। जनवरी फरवरी में आती तो भाई हम लोग मान लेते, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया है। तो भाई यही था कुछ वीडियो गाइस। अगर आपको ये लीक पसंद आती है तो वीडियो को बिल्कुल से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर देना भाई, ताकि जब भी ऐसी कुछ नई लीक्स आए या ऐसी कोई रूमर्स फैल जाए तो आप लोगों को भाई हमारा वीडियो मिल जाएगा कि क्या आपको करना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा। बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर देना। तो यही था कुछ वीडियो गाइस, आई एम अजिंक्य गोखले साइनिंग ऑफ सी द नेक्स्ट वीडियो, होप यू एंजॉय दिस वन।